प्रियंका गांधी ने आज अपना नामांकन भर दिया और प्रियंका गांधी जब नामांकन भरने के लिए पहुंची तो उस वक्त में देखिए किस कदर भीड़ उमड़ी, जबरदस्त भीड़ प्रियंका गांधी के नामांकन के लिए वायनाड में दिखाई दी। और प्रियंका गांधी के नामांकन में जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा वायनाड के अंदर देखने को मिला, इन तस्वीरों की चर्चा आज खूब हो रही है और चर्चा प्रियंका गांधी के 25 साल पुराने एक इंटरव्यू की भी हो रही है। 25 साल पहले प्रियंका गांधी जब चुनावी प्रचार के लिए अपनी माताजी सोनिया गांधी के चुनावी प्रचार के लिए आई थी तो उस वक्त में उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आप चुनावी प्रचार के लिए आई हैं, बीजेपी सोनिया गांधी पर टारगेट कर रही है, आप क्या कहेंगी, और साथ ही साथ उनसे सवाल पूछा गया था कि आप राजनीति के अंदर कब आएंगी। और प्रियंका गांधी ने कहा था कि आपको बहुत लंबा लंबा और लंबा इंतजार करना पड़ेगा और वो इंतजार तब किसी को नहीं पता था कि 25 साल का होगा। लेकिन 25 साल के बाद आज पहली बार नेहरू गांधी परिवार की पांचवीं पीढ़ी की 10वीं उम्मीदवार हैं प्रियंका गांधी, जो चुनावी मैदान में आज नामांकन भर रही है। ये नामांकन भरने की कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई है। प्रियंका गांधी ने आज वायनाड से बतौर उम्मीदवार अपना नामांकन कर दिया है और प्रियंका गांधी का जैसे ही ये नामांकन की तस्वीरें निकल करके सामने आई उसके बाद में नतीजों पर बात होने लगी। पत्रकार पूछने लगे कि कितनी वोटों से प्रियंका गांधी जीत सकती है तो कहा जा रहा है 5 लाख वोटों से, और ये कोई अपने आप में आश्चर्य वाली बात नहीं है। अभी जब चुनाव हुए तो राहुल गांधी करीब करीब 4.5 लाख वोटों से जीते हैं और जब कोई पहली बार उतरता है तो उसका एक अलग अपने आप में क्रेज होता है। और प्रियंका गांधी जब वहां पर पहुंची तो किस तरीके का क्रेज था, रात की कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार तस्वीरें देखिए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भीड़ में अपने मोबाइल के अंदर भीड़ को कैद करते हुए नजर आए, उन तस्वीरों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हुए नजर आए। आज प्रियंका गांधी खुद अपने नॉमिनेशन के लिए गई है, वरना वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए ही नॉमिनेशन के लिए जाती रही है। एक नारा प्रियंका के बारे में बार बार चलता रहा, अमेठी में प्रियंका का डंका और प्रियंका प्रियंका, इस तरह से लगातार उनके बारे में बातें होती रही। लेकिन आज पहली बार वो नॉमिनेशन के लिए जा रही है। 25 साल पुराना एक एनडीटीवी का इंटरव्यू आप देखिए, 10 सेकंड का है, जिसमें उनसे सवाल पूछा जा रहा है अंग्रेजी के अंदर कि आप राजनीति के अंदर कब आएंगी, और प्रियंका कह रही है कि इट विल टुक लॉन्ग टाइम। प्रियंका, आल्सो इज दिस अ ड्रेस रिहर्सल फॉर योर एंट्री इनटू पॉलिटिक्स? नो, यू विल हैव टू वेट अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम फॉर दैट। ओके, थैंक्स। प्रियंका की अपनी एक अलग स्टाइल है, अलग राजनीति है, जो उनको औरों से अलग बनाती है। कल जब रात को ये तस्वीरें देखिए, वो गाड़ी से उतर रही है, उनके साथ में सोनिया गांधी हैं और बाकी के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं प्रियंका गांधी, और उसके बाद में रात को ही प्रियंका गांधी जो है वो लोगों से मिलने के लिए चली गई। जब वो आ रही थी तो एक फौजी परिवार ने उनसे मिलने के लिए गुहार लगाई और उसके बाद में देखिए प्रियंका किस तरीके से उनसे मिलने के लिए चली गई। और सबसे बड़ी बात यह है, हाथ मिलाने वाली जो तस्वीरें हैं उन पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रियंका गांधी जैसे ही जाती हैं और प्रियंका गांधी से नमस्ते करके वो परिवार खड़ा हो जाता है, लेकिन प्रियंका गांधी ने खुद से उनका हाथ पकड़ा और उनसे हाथ मिलाने का काम किया। मतलब एक आदमी को लगता है कि नहीं भाई, ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनसे हम हाथ मिलाएंगे पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन देखिए प्रियंका गांधी ने उनका हाथ पकड़ा और खुद से हाथ मिलाया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वो सुबह आज पहुंचे और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ये कल ही पहुंच गए थे। आज तीनों जो है वो गांधी परिवार के तीन बड़े सदस्य हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तीनों आज वहां पर मौजूद हैं
और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी चिंता का सबब है। एक तस्वीर जरा आप देखिए, इसमें तस्वीर के अंदर आपको ये तीनों नजर आ रहे हैं और ये अब तीन तिगड़ी जो है वो कैसे बीजेपी का खेल बिगाड़ती है। ये तीनों की जो ताकत है वो एक साथ संसद में किस तरीके से मोदी जी पर हावी होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात, प्रियंका गांधी जब पहुंची हैं तो मुझे अमेठी का उनका भाषण याद आ रहा है। अमेठी में जहां पर स्मृति ईरानी थी, स्मृति ईरानी कह रही थी राहुल गांधी डर करके भाग गए हैं, रायबरेली भाग करके छुपना पड़ रहा है उनको, रायबरेली भी हम हरा देंगे इस बार, और अमेठी में तो पिछली बार हरा दिया था। जब स्मृति ईरानी इस प्रकार के दावे कर रही थी तो उस वक्त में मैं अमेठी में ही मौजूद था और अमेठी में प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैं वचन देती हूं मैं यहां से जीत करके जाऊंगी, और उन्होंने रायबरेली से ज्यादा फोकस किया अमेठी में। और यह प्रियंका गांधी का ही शायद करिश्मा था कि उन्होंने किशोरीलाल शर्मा के हाथों स्मृति ईरानी को धूल चटवा दी। आज ये सत्य की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है, ये इस देश की लड़ाई है, इस देश की जनता की लड़ाई है। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हो चुनाव, ये किशोरीलाल शर्मा के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये आप अपनी धरती के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, अपने संविधान के लिए लड़ रहे हो। मन बनाओ, मन बनाओ। जिस दिन मन बनाओगे तो कोई नहीं हरा पाएगा। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहां से, मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी, और अमेठी के इस पवित्र धरती में सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी, और कोई हमें हरा नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कह रही हूं, ये वचन मैं आपको देके जा रही हूं। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी मिलकर के बीजेपी का मुकाबला करते हैं। बीजेपी के पास में ऐसी बात नहीं है कि नेता नहीं है, अभी भी नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ है और कई नेता हैं बीजेपी के पास, और इसीलिए कांग्रेस के पास में भी कई बड़े नेता होंगे तब जाकर के वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो केमिस्ट्री है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो अब संसद में कैसे दिखाई देता है। और राहुल ने कभी झिझक नहीं की, राहुल ने कभी, एक तस्वीर जरा आप देखिए कैसे जो है वो प्रियंका गांधी का माथा चूमते हुए नजर आ रहे हैं, और इस तस्वीर को लेकर के बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने बहुत बुरा भला कहा कि कैसे, पता नहीं क्या क्या बातें कही, मैं कह नहीं सकता हूं आपको। लेकिन राहुल और प्रियंका को लेकर के जितनी लड़ाने की कोशिश की गई, बहुत बार ये चीजें चलाई गई कि कांग्रेस में दो खेमे हैं, एक राहुल का खेमा है, एक प्रियंका का खेमा है जो प्रियंका को आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ना था, जून में लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही राहुल गांधी ने इसका इशारा दे दिया था। आप सोचिए कि गांधी परिवार की जो अंदर की कैलकुलेशन थी वो कितनी मजबूत थी। आप एक बार जरा ये भाषण सुनिए, ये रायबरेली में नामांकन भरने के बाद में राहुल गांधी ने मन से कहा था कि मेरी बहन ने मेरे लिए यहां पर बहुत मेहनत की है, दो दो घंटे सिर्फ रात को सोई है और मैंने इसके लिए कुछ सोच रखा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अंत में जो मेरी बहन ने यहां मेहनत की, दो दो घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सब का। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। राहुल गांधी शायद जिस बात को सोच रहे थे वो बात यही थी कि प्रियंका को वायनाड से या रायबरेली से लड़ाया जाता, लेकिन एक रणनीति के तहत राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट रखी और वायनाड में प्रियंका गांधी को भेज दिया। ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार में पहली बार कोई दक्षिण से शुरुआत कर रहा है, दक्षिण में हमेशा ही कांग्रेस पार्टी जब जब कमजोर हुई है, जब जब कांग्रेस पार्टी पर खतरा आया है, दक्षिण भारत ने बचाने का काम किया है। चाहे वो चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने का काम इंदिरा गांधी ने किया हो, चाहे बेल्लारी से चुनाव लड़ने का काम सोनिया गांधी ने किया हो, और अब प्रियंका गांधी आ रही है। राहुल गांधी भी 2019 में अमेठी हार गए थे लेकिन वायनाड से प्रचंड जीत जो है उनको मिली थी। अब जो है
कांग्रेस के अंदर इसको लेकर के एक बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता अपनी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को लेकर के आशान्वित नजर आ रहे हैं। सुप्रिया सिनेत को सुनिए। प्रियंका गांधी मेरे लिए वो शख्स जिनसे मुझे बहुत प्यार है, मतलब बहुत सारा वाला, जितना मैंने उनको देखा है, जितना उनको समझा है, जितना उनको जाना है, उनके अंदर एक गजब की कुवत है किसी को अपना बना लेने की। वो जितनी साहसी है उतनी ही संवेदनशील भी है, बहुत परिश्रमी है और उससे ज्यादा बेफिक्र और जिंदा दिल है। असलियत यह है कि उनके साथ काम करना कभी बोझिल लगता ही नहीं है, क्योंकि सारा काम इतनी हंसी खुशी में हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। वो अपने परिवार के लिए शेरनी की तरह डट जाती हैं और लोगों की आवाज बुलंद तरीके से दुनिया के सामने उठाती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देकर उन्होंने राजनीति में एक बहुत लंबी लकीर खींची, एक बहुत बड़ी पहल की। मैंने उनकी निर्भीकता को देखा है, हाथरस में देखा है, सोनभद्र में देखा है, लखीमपुर में देखा है, तमाम जगह देखा है जब वो पुलिस और प्रशासन के अन्याय के खिलाफ अड़ जाती हैं, डट के खड़ी हो जाती हैं और पीछे नहीं हटती हैं। वो जिद्दी भी बहुत है, जो ठान लेती है फिर वो करके ही मानती है, तमाम व्रत करती हैं, हर त्योहार को बड़े रौनक से मनाती हैं। वो महिला सशक्तिकरण की ध्वजवाहक है, लेकिन वो उतनी ही शिद्दत से एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी, एक बहन के अपने किरदार को भी निभाती है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में उनसे किसी ने पूछा कि आप 10 साल पहले राजनीति में क्यों नहीं आए, और उन्होंने दो टूक जवाब देके कहा, क्योंकि 10 साल पहले मेरी बेटी 8 साल की थी। एक बार नवरात्र से माँ के दर्शन करके निकल रही थी, पत्रकार ने पूछ लिया आपने क्या मांगा है, तो उन्होंने हंस के कहा बताया थोड़ा ही जाता है, फिर खुद ही मुस्कुरा के बोल दिया आज अपने बेटे के लिए प्रार्थना करी। मुझे याद है एक बार पुलिस से जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश में जब वो अपनी गाड़ी में बैठी तो पहला फोन उन्होंने घर पर किया और अपने बेटे से पूछा मामा की तबीयत अब कैसी है। उस समय राहुल जी की तबीयत थोड़ी नासाज थी, मुझे ये भी याद है। और मुझे पता है कि वो अपने पिता की लाडली थी, लेकिन अपने माँ से जो उनके घनिष्ठ संबंध है वो दुनिया के सामने है। उनको पता है कि उनकी माँ ने इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और मुझे वो दिन याद है जब सोनिया जी अपना पदभार खड़गे जी को सौंप रही थी और उनकी एक फोटो खींची थी, और उस फोटो में सोनिया जी के हाथ में राजीव जी की तस्वीर थी। प्रियंका जी ने उसके नीचे सिर्फ एक शब्द, एक लाइन लिखी थी, और उसमें लिखा था सो प्राउड ऑफ यू मा, आई नो यू डिड इट ऑल फॉर लव। एक दिन हंसी मजाक में उन्होंने ये भी बताया कि वो 19 साल की उम्र से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। खैर, प्रियंका गांधी अन्याय तो रत्ती भर नहीं सहती हैं, और बेलगाम सत्ताधीशों की नकेल कसकर रखना उनके खून में है। भारत की संसद को उनका इंतजार है, उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए सतत काम किया है, उन्होंने तमाम समस्याएं पर्दे के पीछे रहकर सुलझाई हैं, उन्होंने बेबाक होकर पार्टी का प्रचार किया है, तमाम लोगों को चुनाव लड़ाया है और जिताया है, और अब उनकी बारी। और जैसा कि मैंने कहा, देश के संसद को उनका इंतजार है, एक ऐसे शख्स का इंतजार है जो गलत को गलत कहने की पूरी हिम्मत रखती हैं, जो न्याय और सच की लड़ाई पर अडिग हैं और कभी पीछे नहीं हटेंगी। वो आधी आबादी की आवाज को संसद में और बुलंद करेंगी, उस आधी आबादी का परचम और पुरजोर तरीके से लहराएंगी, जिनके लिए राजनीति अभी भी कठिन है। इस देश की तमाम उम्मीदों का कारवां और बेपनाह मोहब्बत का सैलाब आपसे एक ही बात कह रहा है, प्रियंका जी विजयी भव। कुल मिलाकर के अब बात यह है कि प्रियंका गांधी को लेकर के इस वक्त में जो माहौल दिखाई दे रहा है, क्या उतना ही जोश खरोश, उतनी ही ताकत आने वाले दिनों में दिखाई देगी, या प्रियंका गांधी को लेकर के बीजेपी का कोई स्पेशल प्लान है, या प्रियंका गांधी को लेकर के जितनी हवा बनाई जा रही है उतना माहौल नहीं होगा, उतनी ताकत नहीं मिलेगी, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।